नहीं महसूस हुआ था कि वो लाइन कुछ और थी। फिर मैंने बोला कि इसको ऐसे सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, तो ये बोले हाँ ये वो कवि हैं तो कवि ऐसे ही बोलेंगे, ये बेटर है। तो ऋषि भाई थे उस दिन शूटिंग में, उन्होंने बोला यही बोलो। तो मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अभिनय करते हैं उसका इम्पैक्ट कैसा होगा पता नहीं होता है, तो हम पे भी होता है। मुझे भी आज लगा हाँ यार ये तो अच्छा है। बढ़िया सर, आई थिंक यूनिवर्सली सबको अच्छा लगा है। एंड आई'ड लाइक टू कॉल थ्री जेंटलमैन ऑन स्टेज जिन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य के लिए गो अहेड दिया, थम्स अप दिया। एक आदमी जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं भी इनको इतने सालों से देख रहा हूँ। लोग कई बार लोगों की बात करते हैं जो रिवर्स एजिंग चल रहे होते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स दैट वी हैव, और सिर्फ एक बंदा काफी है भी इन्होंने बनाई। विनोद भानुशाली सर, इनके लिए तालियां हो जाए। ही इज डेफिनेटली रिवर्स एजिंग। इनके साथ में एक आदमी जिनको मैं 20 साल से जानता हूं, जो 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं, बस बाल थोड़े लंबे हो गए। संदीप सिंह, द प्रोड्यूसर ऑफ रॉयडी राठौर, मैरी कॉम, अलीगढ़, आइए स्टेज पर। एंड ऑफ कोर्स हैज प्रोड्यूस दिस फैंटास्टिक फिल्म। और साथ में कमलेश भानुशाली जी, वन ऑफ द बिग इंडस्ट्री वेटरन्स, जिनको भी मैं कई सालों से देखते आया। सो इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव एवरीबॉडी ऑन स्टेज। आइए सर, फिल्म से पहले सर सवाल जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है। इट सीम्स कि टाइम रुक ही चुका है हर किसी के लिए। इट्स बीन फैंटास्टिक, और मुझे लगता है कि जैसे मेरा बोला नाम ही काफी है। यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू सो मेनी थिंग्स विनोद सर। आई हैव नोन यू फॉर सो मेनी इयर्स, तब भी आप फुल 24 आवर्स काम करते थे, आज भी 24 आवर्स काम कर रहे हैं। आप एब्सोल्युटली, बट जब आप फिल्म बनाते हैं अब क्या आप वो रख पाते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। इट्स गुड, इट्स इंपॉर्टेंट टू गो टू द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इंडिया के लिए, जब ये इंडिया देखेगी भी। तो यहाँ पे वो ड्यूअल रोल एज अ प्रोड्यूसर होता है, ऑफिस वाला, ऑन सेट वाला, वो आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो हम सोचते हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन जब अटल जी के ऊपर फिल्म हम लोग को बनाने का मौका मिला तो हमें लगा कि वो ब्लेसिंग है। मतलब हम एज अ प्रोड्यूसर हम सोच नहीं सकते थे ये पिक्चर इस तरीके से बनेगी। इट केम एज अ ब्लेसिंग। एंड व्हेन एंड जब हम पहली बार सीधा एक ही एक्टर के पास गए थे और वो अटल जी यहीं खड़े हैं समझिए, तो जब उनको हमने कहा कि सर ये पिक्चर अगर आप हाँ बोलेंगे तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आई थिंक वो कुछ राइट चॉइसेस होते हैं जो आप करते हो लाइफ में, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो मेरे और मेरी टीम ने जब सोचा कि ये पिक्चर हम बनाएंगे। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न। हमें लगता है कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो पूरी जिंदगी हमें एक प्राउड फीलिंग दे कि इसके साथ में हमारा नाम अटैच्ड है। एंड जब आप एक जर्नी उन सारे दोस्तों के साथ में या टैलेंटेड लोगों के साथ में करते हो तो ये निकलता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम सब जितने भी लोग बैठे हैं जब ट्रेलर के बाद में इस बात से सहमत होंगे कि अटल जी इनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता था। एंड रवि जी नेशनल अवार्ड विनर, एक नहीं आठ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। आई थिंक इट डिजर्व्स अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज। फैंटास्टिक, यस। जब रवि जी को भी हमने कहा कि मेरा सी डायरेक्टर इज द गाय, प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा देता है। इस मामले में हम लोग ये समझ लेते कि एज ए टीम ये सिर्फ पैसा लगाने वाली टीम नहीं थी, वो रवि जी भी एग्री करेंगे। लेकिन ऑल सेट एंड डन ये जो दिख रहा है वो सिर्फ दो आदमियों के भरोसे पे था, और आधा तीन जो यहाँ खड़े ऋषि ऑल्सो बिकॉज ही रोट द फिल्म। टाइटनेस 2 घंटे की पॉसिबल नहीं है यार। उनका 40 साल का एक सफर था, उसको हमने तो बोल दिया भाई 2 घंटे ऊपर नहीं होगा। यस, हमने कह दिया 2 घंटे में बना दो, पॉसिबल होना चाहिए ना। सो आई थिंक रवि जी एंड ऋषि मेड दैट हैपन ऑन पेपर फर्स्ट। जब तक हमको पेपर पे वो पिक्चर दिख नहीं रही थी हमें आगे नहीं बढ़ना था। एंड देन ऑब्वियसली देर आर सो मेनी स्टोरीज विच आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट अटल जी, विच इज पंकज जी। मेरे से मुँह से अभी पंकज जी नहीं निकलते, मेरे से मुँह से अभी अटल जी ही निकल रहे। मतलब मैं इनको कितना बोलता हूँ यार, संत आदमी हो आप तो, दिखते हैं ऐसे शक्ल पर ऐसे, मतलब खिचड़ी खाते हो कोई नहीं। हम एक 46 डिग्री में शूट कर रहे थे लखनऊ। आई विल गो ऑन, हाँ मेरे को स्टॉप कर देना प्लीज। तो एक गैप था 45 मिनट्स का। आई थॉट अभी जाएंगे अपने वैन वगैरह में, तो मैं रवि जी को पूछा अरे कहाँ गए, बोले नहीं दिख नहीं रहे, तो वैन में नहीं थे। बस ही जस्ट वेंट देयर, जहाँ पे एक जगह थी वहाँ पे वुडन प्लैंक्स वो थे ना सीटिंग, हाँ ही वॉज स्लीपिंग। मैं से वहाँ बैठ गया, मैं बोला बॉस ये शिद्दत से अगर कोई पिक्चर बनाता है ना तो वो पिक्चर मतलब वो फिल्म नहीं, वो उनकी लाइफ के हिसाब से अगर वो बन गए वो कोई और बना ही नहीं सकता है। सो आई थिंक नाउ व्हेन यू विल सी द फिल्म आपको लगेगा कि बॉस ये कुछ
जादू है, मैजिक हुआ है। नहीं, जादू तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं वो एक सेकंड के जादू की बात करना चाहता हूँ। झिझक तो आपके मन में नहीं आई थी ना, क्योंकि नहीं तो ये बनती नहीं। ये जब आए सर आपके पास एक सेकंड के लिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ चलो, दैट इज अ कंफर्म्ड। संदीप, यू आर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स आई हैव नोन इन माय लाइफ। यू नो योर राइज हैज बीन मीटियोरिक पूरी इंडस्ट्री में, और आई थिंक मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है तुम्हारी राइज को, ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई हैव सीन यू। ये एक समय में रेडियो में काम करते थे, रेडियो से फिल्म्स, इंस्टीट्यूट्स, जस्ट नेक्स्ट लेवल। यू मस्ट राइट अ बुक वेरी सून बिकॉज ऑफ वॉट यू हैव डन एट सच अ यंग एज इन योर लाइफ, एंड यू हैव रीच्ड सच अ हाई लेवल। And you know, I've known you as somebody, as a brother for so many years, and I've seen where you've reached. It's fantastic. Or jo contents jo that you choose, you know, it's not just about sabse bada hona chahiye. It's also the right contents. All the names that I took also just now also. Aapne ye always apne aap ko associate kiya aise type ke cinema se. Just a little bit about that journey and just coming here as well and just making this fantastic film. Sabse pehle to मैं जयंती भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, क्योंकि वो नीचे बैठे और मैं ऐसे बात कर गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत अच्छी लगी आप लोग की तालियों की गूंज जब आप लोगों ने ट्रेलर देखा। मैं सबसे पहले ट्रेलर से ही शुरू करूँगा। बहुत ही अच्छा लगा रवि सर, और वो अच्छा मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने एक पल्लू अपने पति को देते हुए, अपनी बाबू मृदुला जी को, पंकज जी को देते हुए देखा, जब पंकज जी के आंखों में आंसू थी ट्रेलर देखने के बाद, और वो आंसू पोछने के लिए, और आज उन्होंने पल्लू उनके हाथ में ही दे दिया, बोले पोछना ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, आज 2020 अप्रैल में मैंने पंकज जी को फ़ोन किया और कहा कि भैया मुझे आपसे मिलना है। तो इनका सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है, क्योंकि और एक्टरों की तरह नहीं है ना, कमर्शियल एक्टरों की तरह, कि क्यों आना है, क्या है, आ जाओ खाना खाते हैं। तो आ जाओ, तो गए और भाभी ने खाना वाना रेडी रखा था, और मैंने बोला एक चीज़ के लिए आया हूँ, तो ये है वो। तो विनोद ने मुझे पूरी स्ट्रेटजी समझाई थी ऑफिस में बैठ के, कि कैसे कैसे तुझे उनको मनाना है। तो मैंने उनको ये फ़ोटो दिखा, बोले ये कौन है, बोला ये आप हैं, अरे बाप रे। तो मैं बोला सर हम चाहते हैं, मैं और विनोद चाहते हैं कि आप ये फिल्म करें। अरे गुरु, इनका ये डायलॉग रहता मेरे लिए, अरे गुरु ऐसा मत कर मेरे साथ, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं बोला सर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो मैं बोला संदीप मेरे से डेट, तो फिर डेट मैं दूंगा, क्योंकि ये फिल्म वो फिल्म नहीं है जिसका मैं ये फिल्म करते हुए कुछ कोई और फिल्म करूं। मैं जितनी सारी चीज़ें हैं, मैं जो को मुझे सब पता है अटल जी का, लेकिन मैं और पढ़ना चाहूँगा और लिखना चाहूँगा। स्क्रिप्ट पे भी साथ में मुझे हर राफ्ट पे इन्वॉल्व करो, कहीं भी मैं रहूं आ जाओ। और उसके बाद इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां की है वो सिर्फ ये और मेरे को लगता है भाभी ही जानते हैं। पर थैंक यू पंकज जी सो मच माय ब्रदर दैट यू सेड यस फॉर दिस फिल्म। और रवि सर थैंक यू, क्योंकि हम लोग बाल शिवाजी करने वाले थे और ये आए थे उसकी साइनिंग अमाउंट लेने, और मैंने इनसे पूछा कि सर एक फिल्म है मेरे पास अटल, क्या वो कर लें। तो पहले तो परमिशन लेना पड़ता है विनोद से, क्योंकि विनोद का क्या है कि किसी चीज़ का परमिशन नहीं लोगे तो वो रिजेक्टेड है। तो विनोद को मैं बोला विनोद मैं रवि जाधव से मिल रहा हूँ, उनसे पूछूँ क्या, पूछ ले डालिंग। तो मैंने पूछा रवि सर से, ये कमाल की बात थी कि मैं पानी मंगाया था और रवि सर से मैंने कहा कि रवि सर ये फिल्म आप करोगे हमारे लिए। रवि सर हाँ यार कर, ये मिलेगा मुझे फिल्म करने को। बोला विनोद और मेरी इच्छा है, अरे मेरा डबल इच्छा है। तो रवि सर ने हाँ कहा, और उसके बाद राइटिंग बहुत चल रहा था। तो रवि सर ने बोला मुझे लगता है मेरे को दो तीन काम छोड़ देता हूँ और मैं और ऋषि बैठ जाते हैं। और क्या रवि सर बहुत नज़दीक रहते हैं थाने में। तो विनोद ने बोला मेरा एक घर है वहाँ पे, आप लोग सुबह सुबह मिलिए और लिखना शुरू कीजिए। तो रवि सर बोले हाँ मैं यहाँ भी आके लिख सकता हूँ, मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा। अब मुझे रवि ऋषि को कन्विंस करना था। तो इन दोनों ने लिखना शुरू किया। अच्छा, वो नाइट बर्ड है ऋषि, आप नाइट बर्ड है और सर मॉर्निंग बर्ड है, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ नहीं है, पर 6 AM नहीं है, मतलब मैं लिखता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लिखता ही हूँ। अच्छा। तो फिर रवि सर ने ये फिल्म किया, और उसके बाद आई वांट टू स्पेशली थैंक विनोद जो नई कंपनी भानुशाली स्टूडियोज़ खोला, और एक जो कमर्शियल फाइट और ऐसी फिल्में होती हैं उनको सिलेक्ट नहीं करके, बल्कि विनोद का बैकग्राउंड ऐसा है कि कमर्शियल नहीं ओवर कमर्शियल चीज़ों को देखते हैं,
पर विनोद ने जनहित में जारी और बंदा और अटल जैसी फिल्म, मतलब मैं विनोद को एक्चुअली अटल पिच नहीं कर रहा था ऑनेस्टली, बड़ी फिल्म पिच कर रहे थे। नहीं नहीं अच्छा। क्योंकि विनोद अटल और विनोद मतलब लेगा या नहीं लेगा, तो मैं बोला पहले ही बोल देगा क्या बोरिंग प्रोड्यूसर है। तो विनोद को जब मैंने बहुत सारी चार फिल्में बोली, यार विनोद मैं और तू कहीं तो एसोसिएट हूँ, तो विनोद ने बोला पहले तो तूने जो फिल्म डायरेक्ट की है सफ़ेद वो मैं ले लेता हूँ और वो मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगा दोस्ती का, और हमारी दोस्ती 20 साल से है। और विनोद ने जब पूरी लिस्ट मेरी देखी तो उसने बोला यार ये अटल करते हैं अपन साथ में। मैं शॉक्ड हो गया और मैं आई रिमेंबर आई हग्ड हिम एंड आई सेड थैंक यू, बट थैंक यू विनोद, वी ऑल आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ यू एंड BSL टीम, पूजा, राजेंद्रम, भावेश, congratulations, my brother, you became a co-producer. I want to thank few people. Rahul Renival, I've taken your name first. Then Zafar, Samir, Mansi, Iman, my mother, everybody's here, Abhyuday. Thank you so much if I forget anybody's name. And I want to thank specially the team which Ravi sir selected. The DOP, Lawrence, Sandeep Ravade sir, production designer. And the costume designer, So thank you, everyone. And all the entire cast. Brudala Bhabhi, especially love and hug to you. You have supported a lot. And I'm sorry, Vinod, aur main aapke birthday 25 December pe ye film pehle promise kiye the ki release hoga. Aapne ye film hum logo ko isliye karne diya tha ki mere birthday pe release hoga aur Atal ji ke birthday pe. Par wo ab situation ke hisab se hum thoda aage ja rahe hain. Thank you. Nahi, ye to achha decision tha. Thoda aage ja rahe hain, bahut badhiya hai ye. Sahi waqt par sahi film aani chahiye. Kamlesh ji, kuch shabd ho jaye, please. कमले जी यहाँ से फ्लाइट पकड़ कहीं आउट ऑफ टाउन चले जाए, कहीं का शब्द हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू कमलेश के बारे में।